इधर पाइप से पानी लीकेज हो रहा है दर्शकों, पानी इधर खेतों में जा रहा है। इतने बारिश के बाद भी खेत नहीं भर रहे हैं, अपने को बोर चला के पानी भरना पड़ रहा है, देख रहे हैं। और दर्शकों, हम बगीचे का चाबी लाना भूल गए। आप लोग यहाँ से डालियों से, आम पेड़ की डालियों से चढ़कर जाना पड़ेगा उस साइड। अरे बाप रे, कूद कर आ गए बगीचे के अंदर साइड। थैला अंदर ले आओ, बोर बंद है, बोर चालू करना पड़ेगा। लाइट तो है, आजा पानी। गंदा पानी था इसलिए हाथ हटा दिया। तो चलो सही है, 5 मिनट बाद साफ हो जाएगा पानी। दर्शकों, इधर आप ध्यान दे रहे हैं, अपना बगीचा देखिए कितना साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। इधर जितने भी घास थे उन्हें छील दिया गया है और किनारे किनारे देखिए मेड़ जैसा बना दिया गया है, ये सड़कर खाद बन जाएंगे, है ना। इधर जितने भी मिर्ची लगाया गया था ना, मिर्ची का पौधा लगा था, इनमें से भी घास उखाड़ दिया, मिर्ची का पौधा भी उखाड़ दिया, जो सूख गया था उससे कुछ कुछ बचा हुआ है। और इधर जो बैंगन के पौधे हैं, 2-3 साल हो गया ना, ये देखिए बड़े होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और इधर जितने घास थे इसे निंदाई करके इधर इकट्ठा कर दिया है, ये घास बन जाएंगे, ये खाद बन जाएंगे। और इधर देखिए गन्ना लगा हुआ है और गन्ना भी हम खा सकते हैं कभी भी तोड़कर। इधर अच्छे से हो चुके हैं 2-3 गन्ना, ये देखिए, तो हम इसे आराम से तोड़कर खा सकते हैं। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा गन्ना खाए थे हम, इस साल भी खाएंगे, लेकिन थोड़ा रुको, सब्र करो। और देखिए अपना एक पपीता का पेड़ गिर चुका है और ये हम पपीता बर्बाद हो चुके हैं, इसे सब्ज़ी खा सकते हैं हम, तो इसे लेकर चले जाएंगे, घर में बनेगी इसकी सब्ज़ी। इधर और भी है पपीता, ये भी हो सकता है गिर जाए। इधर और है, उधर और है, तो बहुत सारा पपीता का पेड़ है अपने बगीचे में। ये देखिए एक और पेड़ गिरा हुआ है, तो इस तरीके से सीन चल रहा है अपने बगीचे में, सही है। और दर्शकों, आप लोग के एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो अपन पिछले साल लीची का पौधा लगाया था ना, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है दर्शकों, और अभी भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे करके, है ना। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से बड़े हो रहे हैं ये सब। मैं एयर लेयरिंग करा था ना लीची के पेड़ में, वही सब है। ये देखिए किस तरीके से नई नई पत्तियां निकाल रही हैं और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, ये देखिए इस तरीके से बड़े हो रहे हैं, है ना। एक साल में इतना बड़ा हो चुका है अपना लीची का पौधा। इधर और है, सही है दर्शकों। इधर देखिए अपना मौसम्बी का पेड़, और इसमें भी काफ़ी सारे मौसम्बी फले हुए हैं। पिछले साल हम काफ़ी सारा मौसम्बी तोड़कर खाए थे, इस साल भी खाएंगे, बस इन्हें थोड़ा दिन इंतज़ार करिए, इसे पकने दीजिए, पकने के बाद इसे तोड़ तोड़ कर खाएंगे अपन। और दर्शकों, हम कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं, और दर्शकों अभी हम सगुन का पौधा तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें खाद लाना पड़ेगा, तो चलिए खाद लेकर आते हैं, फिर सगुन का पौधा तैयार करते हैं, ठीक है, चलो। लेकिन दर्शकों, उससे पहले हम ये जो अपना बोर लगा है ना, इधर स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइन नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड वाले फेस में लाइट नहीं है, ठीक है, करंट नहीं आ रहा है। तो हम थर्ड वाले से सेकेंड वाले में डालेंगे ये वायर को, और हम बोर स्टार्ट करेंगे। ये आ गया डंडी अपना, इस डंडी से वायर को चेंज करेंगे।
अभी हम वायर को सेकंड फेस में डाल दिए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, है ना। सही है दर्शक, अभी स्टार्ट हो जाएगा। वाह, इसे अंदर घुसेड़ देने का। यहाँ से पाइप के थ्रू जा रहा है पानी यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेगा पानी और पानी आ रहा है दर्शकों। मतलब अपन ये बोर भी चालू कर दिए, दूसरा बोर। पहला बोर तो इधर चल रहा है, है ना, दूसरा बोर इधर। चलो अब खाद लेने के लिए चलते हैं, और दर्शक खाद लाएंगे हम इस कांवड़ से। चलिए, और दर्शकों हम कांवड़ में खाद भर कर ले आए हैं। अब सगुन का जो पौधा कल इधर कोने में रख दिए हैं उसे लेकर आते हैं, फिर पॉलीथीन में खाद भर भर के सगुन का पौधा लगाएंगे, ठीक है। चलो तो दर्शकों ये रहा कल का पौधा, यहाँ रख दिए थे और मिट्टी ऊपर में कर दिए थे, है ना। सही है, इसे यहाँ रख देने का और चलो काम स्टार्ट करते हैं। पे कल बनाए थे, है ना, वो है। ये छोटा छोटा पॉलीथीन निकालते हैं और इसमें ऐसे खाद भरने के खाद से बन नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, अपन बना के दिखाएंगे एक ही हाथ से ही। इस तरीके से अपने खाद भरना है, और खाद जब अच्छे से भर जाए तो अपने को एक अच्छा सा सगुन का पौधा निकालना है इस तरीके से, और इसे इसमें गाड़ देना है, ठीक है। गाड़ने के बाद इसे दबा देंगे खाद को, और थोड़ा खाद लेकर इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए अपना एक सगुन का पौधा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये तैयार करते जाना है, ठीक है। चलो दर्शकों अभी हम आम का पौधा भी लेके आए हैं, और अपने पास से बड़ा वाला पॉलीथीन भी है, ठीक है। तो कम से कम 15 से 20 पॉलीथीन तो होंगे। चलिए इन्हें बनाते हैं, और ठीक है, दो तीन बन गया है, अभी और बनाते हैं।
दर्शकों, अभी शाम के 5 बज चुके हैं और इधर 6-7 आम का पौधा, यहाँ पे 15 से 20 सागौन का पौधा, इधर और देख सकते हैं 10-15 आम का पौधा। इस तरीके से हमने काम करा है ना, लगभग 40 पौधे बनाए हैं हमने अभी तो। सही है दर्शकों, 8 से 10 पॉलीथीन बच गए हैं तो इन्हें कल बनाएंगे। फिलहाल अभी हम पैर हाथ धोते हैं और देखते हैं कुछ दूसरा काम। ठीक है, तो दर्शकों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं फ्रेश होके जा रहा हूँ घर। घर से हो सकता है मैं मार्केट साइड भी जाऊँ, है ना, पास ही है, अब बगल गांव में 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मार्केट का वीडियो भी दिखा सकता हूँ थोड़ा बहुत, अगर गया तो। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है दर्शकों, तो आज तो देख लिया आज का काम, सुबह घास निंदाई वाला काम कर रहे थे और अभी यहाँ बगीचे आकर हमने पौधा लगाने वाला काम करा। ठीक है, तो चलिए दर्शकों, आज का काम कुछ इस तरीके से रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये काम ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटे, दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता घटाएं। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। तो दर्शकों, ये लंबी लिस्ट लेकर जा रहे हैं हम पड़ोस के बाज़ार में। ठीक है, पड़ोसी गाँव के बाज़ार में, चलिए वहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं सीन आप लोग को। ठीक है, कहाँ जाता है भाई साहब? अबे बे, 20 के लॉन्ग इलायची हो। दर्शकों, अभी अपना मार्केट हो चुका है, हम घर की ओर जा रहे हैं। ये अपना थैला फुल भर चुका है, 250-300 का सामान भरा पड़ा है ना, आगे में और भी बाजार करने वाले जा रहे हैं।